चलिए जब गेस्ट आ जाए तो आप बना सकते हैं ये शानदार स्नैक्स 5 मिनट में, सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से। देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। ये सिंपल सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अन्नू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गार्लिक चीज़ बर्गर। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे जो हमें बर्गर में फिल करनी है ना। तो ये मैंने ग्रीन कलर वाली शिमला मिर्ची ली है। अगर आपके पास तीनों हो तो आप तीनों कलर की शिमला मिर्ची ले सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैं यह 5 चम्मच शिमला मिर्ची लूंगी और 5 चम्मच टमाटर डालूंगी और 5 चम्मच प्याज डालूंगी, 5 चम्मच मकई के दाने डालूंगी, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी, 1/2 चम्मच काली मिर्च डालूंगी और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 5 चम्मच चीज डालेंगे। आप इसमें पिज्जा चीज, मोजरेला चीज जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड फॉलो जरूर करिए। अब हम इसका बटर बनाएंगे। मैंने बटर लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ। तो इसके अंदर 1 चम्मच गार्लिक डालेंगे और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप जो पुला पाट चीजी गार्लिक बर्गर खाते हो ना, आज हम घर पर ही बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारा बटर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको साइड में रख देंगे। तो अब हम एक बर्गर बन लेंगे और उसको चाकू की सहायता से कट लगा देंगे। कट हमें नीचे तक नहीं लगाना है, आधे बीच में ही छोड़ देना है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। हमने इसको नीचे से कट नहीं किया है। अब हम इसके अंदर बटर लगाएंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से अंदर बटर लगा दिया है। अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। हमें अच्छी तरह से दबा दबा कर भरना है। इस तरह से हमने सारी स्टफिंग अंदर भर दी है। अब हम इसके ऊपर बटर लगाएंगे। इससे क्या, बर्गर की शाइनिंग आएगी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, रेडी हो गई है, कितनी शानदार यहाँ पर लग रही है। अगर अगर बच्चे को भूख लगे तो आप 10 मिनट में इसको बनाकर खिला सकते हैं। आप इस बर्गर को माइक्रो ओवन में बना रहे तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इस बर्गर को बाटी वाले ओवन में बना रहे हैं। अब हम ओवन को 2-3 मिनट के लिए फ्री हीट होने देंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बर्गर को ओवन में रख देंगे। इस तरह से हमें रख देना है और इसको ढक देना है। तो ये देखिए, हमारा पुला पाट चीजी गार्लिक बर्गर बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। थैंक्स। तो चलिए जब गेस्ट आ जाए तो आप बना सकते हैं शानदार स्नैक्स 5 मिनट में, सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से। देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। ये सिंपल सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अन्नू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ गार्लिक चीज़ बर्गर। तो यहाँ मैंने बाउल लिया है।